देखिए व्यवस्था को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है, ताकि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहां से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा, उसको लेकर के सारी व्यवस्था की एक बैठक। अच्छा, तो 4 सीट कोई चुनौती है? 4 सीट तो की लोकसभा सीट कोई चुनौती है? देखिए हमारे सामने, क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं हैं बातों को, कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था, नहीं भूले हैं लोग, आज भी जानते हैं। परंतु उसके अंदर जो सुविधा दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी, और नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइन तो ख़त्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुँचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो विकास की गति तेज गति से आगे देश बढ़ेगा, ये लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा का परिणाम हरियाणा की राजनीति तय करेगा और कांग्रेस की विधानसभा में सरकार इस सीट की जीत की वजह से। ये पिछले बार भी बोल रहे थे जब बापू बेटा खड़े हुए थे, आपको मालूम है, शायद आपके पास उनकी कोई बाइट होगी, भी भाई ये चुनाव तय करेगा अगला विधानसभा का, बोला था उन्होंने पिछली बार भी, बोलते हैं परंतु लोग निर्णय करते हैं। सर, उनके बारे में कब तक निर्णय हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए विजन जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, और मनोहर लाल जी ने बड़ा ज़बरदस्त काम गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा के अंदर किया है, हमारी प्राथमिकता है उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनका अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के रूप में है, चिरायु कार्ड के रूप में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता है, और लोगों को घर बैठे सुविधा मिले। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अगर व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो घर बैठे ही उसकी पेंशन लग करके घर में आ जाती है, नहीं तो वो 6-6 महीने तो कांग्रेस के समय में, ये कांग्रेस की सरकार थी, चक्कर काटता रहता था कि मेरी पेंशन बनेगी और फिर सेवा करनी पड़ती थी। आज ना सेवा की ज़रूरत है, ना चक्कर काटने की ज़रूरत है, आज घर में उसके पेंशन बन करके आ जाती है। आज इस प्रकार का लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का शासन। देखिए ये भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो तय करेगा और उनके ध्यान में है सारा विषय। अनिल विज नाराज क्यों चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है, अनिल विज साहब हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, आगे भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं स्वयं भी आदरणीय अनिल विज जी के पास जाऊँगा।